दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर मुसाफिर के इस एपिसोड में। जब मैं जयपुर से बाहर निकल के उदयपुर गया और मुझे सज्जनगढ़ बहुत पसंद आया और मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं आप सबके साथ कुछ डिटेल्स शेयर कर सकूं। वीडियो के साथ में ही मैं इसकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा, तो आप वीडियो में सज्जनगढ़ देखिए और कहानी का आनंद लीजिए। तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर इसको सज्जनगढ़ कहा जाता है। लगभग 130-135 साल पहले 1884 के आसपास इसको उदयपुर के थोड़ा बाहर अरावली की पहाड़ियों पर बनाया गया था। सज्जनगढ़ से आप उदयपुर की झीलें, महल, आसपास की वादियाँ और शहर की हलचल देख सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा ने ये इसलिए बनवाया था ताकि वो यहाँ से अपने खानदानी महल चित्तौड़गढ़ को देख सकें। वैसे पॉल्यूशन के कारण मुझे वो नहीं दिखा, आप भी अगर जाएं तो ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, सज्जनगढ़ से सनसेट बहुत प्यारा दिखता है। मैं यहाँ गर्मियों के मौसम में गया था, इसलिए वो यहाँ पर इतनी हरियाली नहीं दिख रही है जो कि आप बारिश के मौसम में या सर्दियों के मौसम में देख सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा साहब यहाँ पर 5 मंजिला खगोलीय केंद्र, जैसे जयपुर में जंतर मंतर है, वैसा कुछ बनवाना चाहते थे, लेकिन उनकी उम्र हो गई थी और वो गुजर गए, इसलिए उनका वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन यहाँ से मानसून की निगरानी की जाती थी और राज परिवार मानसून में अपना समय यहाँ बिताया करते थे, इसलिए सज्जनगढ़ को मानसून पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। तो आपको याद होगा जेम्स बॉन्ड की एक मूवी ऑक्टोपसी, उसमें कमाल खान जो था अफगान का प्रिंस, उसका महल ये सज्जनगढ़ ही दिखाया गया था। सज्जनगढ़ को बनाने में सफ़ेद संगमरमर मार्बल पत्थर का उपयोग किया गया था
और इस पर चूने के पत्थर का प्लास्टर भी किया गया, जिसके कारण ये महल चांद की रोशनी में बहुत ही सुंदर लगता है। राजा महाराजा इस महल को शिकारगाह की तरह भी उपयोग करते थे और अब राजस्थान सरकार इसे म्यूजियम की तरह यूज़ करती है, इसलिए आपको बहुत सारे चित्र और बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। बारिश के पानी को सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया था, लेकिन वो ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी नहीं था, इसलिए ये भी एक रीज़न है कि राज परिवार ने यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फव्वारों का उपयोग किया गया था, पर इनको चलाने के लिए बहुत पानी चाहिए था। इतनी बारिश राजस्थान में हर जगह नहीं होती। मुझे लगता है कि इस महल की खिड़कियाँ, दरवाजे, झरोखे सभी किसी परियों की कहानियों से प्रभावित होकर बनाए गए थे। जब 1764 में सिंध ने उदयपुर पर हमला किया तब ये महल बहुत काम आया था और इसमें आज भी कुछ तोपें रखी हुई हैं। अब ये महल राजस्थान सरकार के अधीन है और इसको टूरिस्ट स्पॉट म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए आप बाय रोड आ सकते हैं। उदयपुर शहर से ये 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होता हुआ आता है, तो आपका सफ़र भी सुहाना हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी के वीडियोस भी देखिए। अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।